बागेश्वर में आपसी गुटों में मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल बागेश्वर मंडल सेरा नौले के पास दो युवकों की आपसी बहस होने के बाद एक युवक ने दूसरे युवक के सिर पर नुकीले हथियार से हमला कर दिया, जिससे सुनील नाम का युवक गंभीर रूप से चोटिल हो गया, जिसके बाद आनन फानन में सुनील को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका इलाज किया गया। वहीं इस मामले में पीड़ित युवक का कहना है कि बिना वजह दूसरे पक्ष की ओर से उस पर हमला किया गया था। फिलहाल पीड़ित युवक ने दूसरे पक्ष के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, जिसको लेकर पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित के साथी का ये कहना है कि आए दिन मंडलसेरा इलाके में बाहर से युवक आकर सार्वजनिक इलाकों पर अभद्रता करते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कल रात तकरीबन 10 बजे हम अपने घर को जा रहे थे, साथ में पड़ोसी था जिसको हम लेने गए नीचे। उस वहाँ पे धारे पे दो लड़के बैठे थे जो अनजान व्यक्ति थे, उनमें से भारी व्यक्ति थे, मतलब कि उनमें से एक गणेश गड़िया नाम का लड़का जो पहले यही नज़दीकी बार में काम भी करता था, और एक विजय परिहार और फिर जादू परिहार कहते हैं उसको। वो दो लड़के हम साथी को जैसे लेने गए जैसे जा ही रहे थे, पीछे से दो लड़के आ गए, तुरंत हमला कर दिया हम लोगों ने। और हमला पता नहीं ऐसा भयानक करा, कोई ऐसी धारदार चीज़ होगी, नुकीली चीज़ होगी, जिस चीज़ से मेरे सर पे काफ़ी चादर टूट आई थी। हम तीन लोग थे, दोनों जो पहले दो लोग थे हमें साथ में है, उसमें से जो तीसरा था जिसको हम लेने गए थे उसको लेने गए थे हम नीचे से बुला के घर ले जाने के लिए। हमने कहा घर को चलते हैं, उसको लेने के तुरंत बाद ही पीछे से उन लोगों ने हमला करा और बिल्कुल नुकीले धारदार चीज़ों से हमला करा। ना हम जा रहे थे सीधे नीचे को अपने दोस्तों को छोड़ने के लिए, अपने घर तक छोड़ने के लिए। ऐसा होता है मैं दोस्तों को छोड़ने के जैसे मैं जा रहा था, मैं धारे पे पहुँचा ही नहीं था कि पहले हमारे साथ हमला हो गया। हमला होने के बाद तुरंत बाद क्या हुआ, पहले चोट तो मुझे लगी, उसके बाद जस्ट दूसरे बंदे को चोट मार दी गई। उसके बाद मैं ग्रस्त हो गए, मतलब हम बहुत पीड़ित हो गए। उसके बाद हमारे मतलब कोई मतलब देखने वाला था ही नहीं।